हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। भारत में महात्मा गांधी सहित ऐसे कई नेता थे जिन्होंने सादा जीवन, उच्च विचार का नजरिया अपनाते हुए राजनीतिक यात्रा पूरी की। उनके इन विचारों की झलक आज भी कुछ नेताओं में देखने को मिलती है। जमुना प्रसाद बोस तो सादगी की मिसाल थे ही, पर सादगी और सेवा भाव की लिस्ट में और भी कई नाम हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग कर केवल जनता की सेवा की, न खुद के लिए पैसे बनाए न ही घर। आज़ादी के 7 दशक बीतने के बावजूद आज भी राजनीति में सादगी और सुचिता का उदाहरण कायम है। लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर और झारखंड के खूंटी संसदीय क्षेत्र का 8 बार प्रतिनिधित्व कर चुके भाजपा सांसद करिया मुंडा की सादगी स्वाधीनता के बाद के नेताओं की याद दिला देती है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में बड़े अंतर से चुनाव जीतने में सफल रहे करिया का परिवार सादगी से जीवन व्यतीत करता है। खुद करिया मुंडा भी तड़क भड़क से दूर समय मिलने पर वे आम किसान की तरह खेत में हल जोतते हैं, वे पैदल ही खेत की ओर जाते हैं। करिया मुंडा की बेटी चंद्रावती सारू पेशे से शिक्षिका हैं। इस बार उनके बगीचे में जरूरत से ज्यादा आम हुए तो उन्होंने सड़क किनारे बैठकर आम बेचे। उन्हें इस बात की जरा भी शर्म महसूस नहीं हुई कि उनके पिता झारखंड के एक वरिष्ठ नेता हैं। करिया मुंडा 8 बार सांसद, 4 बार केंद्रीय मंत्री और 2 बार विधायक रह चुके हैं। उनका पूरा जीवन एक मिसाल है। उनका व्यक्तिगत जीवन बिल्कुल वैसा ही है जैसा 4 दशक पहले था जब वे पहली बार सांसद चुने गए थे। झारखंड के आदिवासी गैर आदिवासी सांसदों में अकेले ऐसे प्रतिनिधि हैं जो आज भी अपने गाँव आते हैं तो वैसे ही खेतों में हल कुदाल चलाते हैं और तालाब में नहाते हैं। वहीं देश के सबसे अधिक उग्रवाद प्रभावित जिले खूंटी में मामूली सुरक्षा के साथ घूमते हैं और क्षेत्र से वापस लौटने के बाद बाकी समय सुरक्षा गार्ड उनके साथ नहीं रहते हैं। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से हैं। वह अपनी सादगी के लिए ही जाने जाते हैं। सरकार की पत्नी का नाम पंचाली भट्टाचार्य है। पंचाली सोशल वेलफेयर बोर्ड की कर्मचारी थी जो 2011 में सेवानिवृत्त हो गई। भारत सरकार के वह ऐसे एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिनके पास अपनी कार और घर नहीं था। कहते हैं उनकी पत्नी सब्जी खरीदने रिक्शे से जाती हैं। सरकार अब अपने दादाजी के एक पुराने और छोटे घर में रहते हैं। मुख्यमंत्री रहते समय वेतन और अब पेंशन का कुछ भाग दान कर देते हैं। सारंगी अपनी सादगी से लोगों को दीवाना बनाने वाले सांसद हैं और ओडिशा में उन्हें फकीर नेता कहा जाता है। ओडिशा में उनकी सादगी का हर कोई दीवाना बन गया है। प्रताप चंद्र सारंगी लगातार समाज सेवा में लगे रहते हैं। प्रताप चंद्र सारंगी बेहद ही साधारण जीवन जीते हैं। चेहरे पर सफेद दाढ़ी, कम बाल, साइकिल और बैग उनकी पहचान है। प्रताप चंद सारंगी एकदम साधारण से कपड़े पहनते हैं। प्रताप चंद सारंगी आज भी झोपड़े में रहते हैं, ग्राम पंचायत के हैंडपंप पर स्नान करते हैं। सिर्फ पैसों से चुनाव लड़ने के मिथक को गरीबी और ईमानदारी से ध्वस्त करने वाले प्रताप सारंगी ने उस दौर में जब पॉलिटिक्स को पैसे वाले अपने पॉकेट में लेकर चलते हैं, करोड़ों खर्च कर अरबों कमाने का जरिया बन चुकी राजनीति में प्रताप सारंगी कई वर्षों से सादगी के हस्ताक्षर बने हुए हैं। भगवा झंडा थामकर प्रताप सारंगी 2 बार ओडिशा विधानसभा में बैठ चुके हैं, मगर ना तो इनके पास अपना बड़ा सा मकान है, ना गाड़ी है, ना पुलिस की फोर्स है। बैजनाथ रावत उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित हैदरगढ़ विधानसभा के विधायक हैं। बैजनाथ रावत भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। आज भी बैजनाथ रावत अपने पक्के लेकिन प्लास्टर और फर्श के बगैर बदसूरत से लगने वाले मकान में रहते हैं। वह खुद अपने घर के बाहर दरवाजे पर एक आम आदमी की तरह झाड़ू लगाते हैं, जानवरों के लिए मशीन से चारा काटकर अपने हाथों से खिलाते हैं और यही नहीं, वो खेतों में फसल बोने से लेकर फसल काटने तक का काम एक आम किसान की तरह खुद ही करते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के बलहा उपचुनाव में बीजेपी कैंडिडेट को हराकर सपा से विधायक बने वंशीधर बौद्ध आज भी घास फूस से बने घर में रहते हैं। उन्हें विधायक बनने का कभी गुरूर नहीं रहा। वह सुबह होते ही खेतों में हल बैल लेकर पहुंच जाते थे। इसके बाद जनता की सेवा में दिन बिताते हैं। कभी पंचर बनाकर अपने परिवार का गुजारा करने वाले वंशीधर बौद्ध की तरह उनका परिवार भी सादगी से भरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।